सारे तरह तवज्जो फरमाएं ताकि आपकी सवाल बात समझ जाए। बहुत आसान सवाल है। देखिए इसका मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज एक्चुअली द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट, इफ यू सी, वी आर लुकिंग, वी आर ऑब्जर्विंग अ फंक्शन इनसाइड दिस मशीन, इनसाइड दिस फंक्शन। दिस इज बेसिकली द इनपुट ऑफ द, व्हाट इज दिस एन इनपुट, लाइक ए पजेस एट द जूसर, ए पजेस एट द जूसर। सिमिलरली इनपुट इनसाइड दिस इंटीग्रल मशीन। एंड आई हैव टोल्ड यू कि ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल। वी नीड टू प्रोसेस, वी नीड टू, व्हाट वी नीड टू प्रोसेस, वी नीड टू प्रोसेस, वी नीड टू गेट द आउटपुट। हमें आउटपुट चाहिए। सर इसका डायग्राम क्या है, मैंने डायग्राम बताया। गिव अस सम फंक्शन, सम अननोन फंक्शन, उसका डेरिवेटिव, दे हैव फाइंड आउट द डेरिवेटिव एंड दैट इज द बेसिकली डेरिवेटिव। x square minus 5 x by x square minus 5. We need back, हमें वापस वो फंक्शन को हासिल करना है जिसका डेरिवेटिव लिया जा चुका है, हमें वो वापस चाहिए। और वापसी का जो बस है, वापसी का जो रास्ता है, वो ये बस है, ये मशीन है, ये फंक्शन है, ये ऑपरेटर है जो कि वापस इसको प्रोसेस को ले जाएगा। आप ये कर नहीं होगा, आप इसको उठाकर वी हैव टू पुट इट ओवर हियर एंड वी नीड टू प्रोसेस। बस को चलाना होगा, सब को चलाना होगा और यहाँ से हमारे पास जवाब आ जाए। सवाल ये किसको चलाएं, कि किस बस का चलाना भी अपने टेक्निक, हाउ टू ड्राइव, हाउ टू ड्राइव दिस बस, ताकि हम वापस उस फंक्शन को हासिल करें। उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। अच्छा इवैल्यूएट लिखा हूं, इवैल्यूएट, यस सर। इवैल्यूएट का क्या मतलब है, इवैल्यूएट मींस सॉल्व, अप्लाई दिस मशीन ऑन दिस इनपुट प्रोसेस एंड गेट द आउटपुट। आंसर इज वेरी सिंपल, नॉट गोइंग टू वेस्ट फर्दर टाइम। So this is the basic diagram you should make with you in the copies. You should make. Because there is no diagram in the book. Yes, sir. Not in any. In anything you can see. The basic diagram. But this is very basic. Yes, sir. I don't know why. But they don't make this diagram. I don't know. So basic. So easy. For solution, this word. Is it easy or difficult? Easy. Okay, what is the next step? The next step is that, my dear student, ye sawal aap substitution se kare. We have to use substitution. Substitution, actually this input seems to be very complicated. Difficult, but bahut bada input nazar aa raha hai. So isko pehle aasan karna hoga. So kya karna hoga? Isko aasan karna hoga, simple karna hoga. Main urdu mein bata raha hu ye jumle. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इसमें सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा है? x square minus 5 square root, x square minus 5 square root, ये सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, इस तरह देखो, आप इस तरह देखो, लेट x square minus 5 is equal to z, कोई नया वेरिएबल इसकी जगह पर, ताकि आसान हो। सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? The next step is that actually आपने x variable को बदल दिया किससे? z से। यहाँ dx का भी बंदोबस्त करना होगा। We need to tackle that dx as well। उसके लिए आपने दोनों साइडों पर derivative लेना होगा। क्या लेना होगा? Derivative। तो आपने यहाँ पर derivative कर दिया और यहाँ पर भी आपने derivative apply किया। Yes। ठीक है? अच्छा। x square minus 5 minus 8 बटा 2 और दोबारा इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 2x वहां से आ रहा है dz by dx। ये 2 ये 2 कैंसिल हो गया, इससे क्या जाएगा? x divided by x square minus 5 square root dx का शिफ्ट कर। अब देखिए तवज्जो फरमाएं बच्चों, आपका सवाल बहुत ज्यादा आसान हो गया। कैसे आसान हो गया सर? नहीं, cos x square minus 5 x by x square minus 5 dx, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? और इसकी जगह क्या पुट करेंगे? इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? dz। अब कितना आसान, इसकी जगह z और इसकी जगह dz, इंतहाई सादा मंत्र। देखिए बच्चों, इक्वल साइन लगा दें, cos z d z, बस इतना सिंपल।
अच्छा cos z का इंटीग्रल जो है वो है sin z. सर क्यों है, क्यों है, इसकी वजह बताओ. इसकी वजह ये है, डायग्राम sin x का डेरिवेटिव जो है वो है cos x. sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x. तो अब मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रल को के फॉर्मूले डेरिवेटिव को देखकर ही वजह किए गए हैं. तो रिवर्स में cos x का जो इंटीग्रल होगा sin x होगा, तो देखकर इसके फॉर्मूले बने. तो इसलिए बच्चों sin z आ गया c, ठीक है. अच्छा यहां से हमारे पास आ जाएगा sin x स्क्वायर माइनस 5 प्लस Yes. What is the place for? Yes, last time.